जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर नितिन मुंदड़ा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चंद्र ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूं। चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, चंद्रमा मस्तिष्क का कारक ग्रह होता है। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छी अवस्था में है, शुभ भाव में है, तो जातक को सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य एवं धन धान से परिपूर्ण करता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में लग्न में द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में एवं एकादश भाव में अगर बैठते हैं तो जातक को सभी प्रकार की चंद्रमा से संबंधित जितने भी कारक तत्व होते हैं उनमें जातक को सफलता मिलती है। चंद्रमा अगर राहु केतु एवं शनि से संबंध बनाते हैं तो जातक को इन क्षेत्रों में कमियों का सामना करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा मन का कारक होता है, अगर पापी ग्रहों के साथ होगा तो जातक का मन विचलित रहेगा, बुद्धि भ्रमित रहेगी, जिसके फलस्वरूप जातक को धन ऐश्वर्य प्रसादन सौंदर्यता में कमी देखने को मिलेगी। चंद्रमा जल तत्व ग्रह, इसकी दिशा उत्तर होती है, सौम्यता इसका परम गुण होता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है उनका चेहरा देखने में सुंदर होता है, गोल होता है, आकर्षक होता है और उनकी जो वाणी होती है मधुर होती है। यही चंद्रमा अगर 6, 8, 12 भाव में अगर बैठ जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, पापी ग्रहों से दृष्ट या संबंध बना लेते हैं, तो जातक विभिन्न प्रकार की व्याधियों से, समस्याओं से घिर जाता है। जातक को हर कार्य में असफलता ही हाथ लगती है। इसके फलस्वरूप आपको चंद्र ग्रह से संबंधित रत्न मोती धारण करना चाहिए। 5.25 कैरेट का मोती जातक को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर सोमवार को सूर्यास्त के बाद शाम के समय 6 से 8 के बीच में गाय के कच्चे दूध से एवं जल से अभिषेक करके ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार उच्चारण करके धूप दीप करके सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए, जिससे चंद्र ग्रह से संबंधित समस्त प्रकार के अरिष्ट दोषों का समन होता है। इसके साथ ही आप चंद्र ग्रह से संबंधित उपाय भी कर सकते हैं, जैसे हर सोमवार को सूर्यास्त के बाद सफेद चीजों का आप दान कर सकते हैं, चाहे वो मंदिर में कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, जैसे कि सफेद वस्त्र हो गए, सफेद मिठाई हो गई, सफेद फूल हो गए, सफेद पेन हो गया, मतलब किसी भी प्रकार से आप सफेद रंगों का दान कर सकते हैं, जिससे चंद्रमा के अशुभता में कमियां देखने को मिलती है। इसी प्रकार आप चंद्र ग्रह का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। दिशा उत्तर रहेगी, वस्त्र सफेद रहेंगे, आसन सफेद रहेगा। ऐसा अगर आप करते हैं लगातार 2 से 3 सोमवार में आपको चंद्र ग्रह के जितने भी दोष हैं आपकी कुंडली में वो सब दोष खत्म होते हुए आपको नजर आवेंगे। कोई सा भी रत्न धारण करने से पहले आप ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें। जय माता दी।